आज आपके सामने ढोलक के कुछ प्रकार हैं कहरवा के, थोड़े समय में ही उसको आपको सुनाकर उसके बाद श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है, उस प्रसंग की चौपाइयों को लेकर कहरवा ताल पे ही बजाकर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। 40 दिन में जितना भी सीख पाए हैं लोग, बस सुनिएगा, समझिएगा, त्रुटियाँ हुई होंगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले ताल कहरवा ताल वो प्रकार जो सबसे प्रचलित है, थोड़ा इनको गिनतियों में कन्वर्ट करके आसान तरीका बनाया है, जो काउंटिंग के आधार पे बोलूँगा उसके बाद ये लोग बजाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ये थे कहरवा के कुछ प्रकार।
जब कभी हम घर से निकले और निकलने से पहले अगर हम इस चौपाई का जप करके निकलते हैं तो आने वाली कोई भी बाधा अगर बड़ी होती है तो वो छोटी हो जाती है, अन्यथा टल भी जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग पहली बार प्रवेश कर रहे हैं अपने इस संगीत के ढोलक वादन के एक नई दिशा में, संगीत की दिशा में जा रहे हैं, तो क्यों ना प्रवेश नगर कीजिए सब काजे हे डेरा कौशलपुर राजा को ही हम गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।